गुड मॉर्निंग एवरी वन चलिए भाई जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है अगर आवाज़ क्लियर आ रही होगी तो हम कंटिन्यू करते हैं राइट यस यस गुड 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 मॉर्निंग चलिए भाई जल्दी आ जाइए तो आज की क्लास में हम

लास्ट क्लास नहीं अटेंड की थी अन अकेडमी ऐप पे ओएमसी की उस क्लास को जरूर अटेंड कीजिए भाई ठीक है जितनी भी क्लासेस हो रही हैं उनमें हम सारी काम की बातें कर रहे हैं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू मस्ती करना मजे करना आज ठीक है सुबह सुबह अपनी क्लास लीजिए और देखो मस्ती के टाइम पे मस्ती भी बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है जैसे पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है डोंट जस्ट मिक्स इट आप कि पढ़ाई के टाइम पे सोच रहे हो कि अगर हम बाहर चले जाते तो अच्छा होता और बाहर जाके सोच रहे थे कि अगर पढ़ लेते तो अच्छा होता तो ये फीलिंग दिल में कभी नहीं होनी चाहिए गिल्ट वाली जब बाहर हो तो इनकी कोई जरूरत नहीं है हमें पढ़ने की अब हम देखेंगे कल तो कुछ भी करो वो हंड्रेड परसेंट आपने कई बार ये ऑब्जर्व किया होगा आप अपना हंड्रेड परसेंट कहीं नहीं दे पा रहे होते जब बाहर हो कहीं घूमने जा रहे हो तो तुम्हें लग रहा है कि यार वो काम रहेगा वो ये हम हर एक आदत बना लो कि जब एक पर्टिकुलर काम को कर रहे हो वो उसका ही टाइम है तो उसे कहते हैं इंजॉय करना लाइफ को अगर एक पर्टिकुलर टाइम खेलने का है या किसी के साथ जाने का है बाहर जाने का प्लान है तो उस टाइम पे आप कोई दिल में गिल्ट रख के नहीं जाएंगे और नहीं जाएंगे तभी उस जगह जाने का फायदा है अदरवाइज बार बार दिमाग में डर बैठा रहे तो कोई मजा नहीं आएगा तो ये सारी बातें आप लोग समझते हैं राइट चलिए क्वांटम हाँ हाँ क्वांटम आखिर लेक्चर भी आएंगे क्यों नहीं आएंगे ठीक है मैं सोच रहा हूँ उसके क्वांटम को आगे लाइव ही पढ़ा दूँ इसलिए मैंने उसको आगे रोक दिया है वेरी वेरी हैप्पी होली कार्तिक ठीक है तो आप भाई दो जगह पे देख रहे हैं एक तो यहाँ पर मैं लेक्चर्स पढ़ाता हूँ अन अकेडमी ऐप पर मैं क्या कर रहा हूँ वहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वहाँ पर चल रहा है आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की क्लास होगी या नहीं होगी उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा ठीक है और आप आफ्टरनून तक आपको पता लग जाएगा या शाम तक आप देख लेना कि क्या मैंने दस बजे कोई क्लास स्केड्यूल की है या नहीं की है राइट चलिए तो आगे बढ़ते हैं भाई अगर आपसे कहीं भी ये कुछ कोड मांग रहा है जब आप उस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो वहां ए पी आर टेन यूज कीजिए ठीक है अगर आप बहुत चाहते हैं कि हम जल्दी से सर कोर्स कवर करना भी चाहते हैं सर या और भी टीचर्स हमें पसंद आ रहे हैं तो कुछ लोग सब्सक्रिप्शन भी बाई कर लेते हैं मैं जानता हूं तो भी आप इसको यूज करेंगे तो टेन परसेंट डिस्काउंट मिल सकता है Anyways, हम आते हैं अपने काम पे चलिए भाई तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे बेटा मैं आप लोगों को अब उस काम को छोटा करना सिखाता हूं छोटा करना मतलब लास्ट क्लासेस में हमने ऑक्टाकल कॉम्प्लेक्सेस का एमोटी डायग्राम पूरा डिटेल में देख लिया लेकिन अब मैं उसी को छोटा करना सिखाता हूं कि किस तरीके से उसको छोटा किया जा सकता है और बेटर समझा जा सकता है राइट तो देखो आप डायरेक्ट ये बात ध्यान रख सकते हैं भाई पहले तो ये बताइए आपको बोर्ड जो है सही विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा तो नहीं कहीं साइड में से कुछ ब्लैक दिख रहा हो या कुछ ऐसा क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो कैमरे की सेटिंग है वो थोड़ी सी थोड़ी सी छेड़खानी है उसमें आज तो प्लीज़ एक बार जल्दी से देख के बताइए कि बिल्कुल सही है नहीं है। मैं भी चेक कर लेता एक बार गेस सही दिख रहा है मुझे तो कोई बात नहीं प्रगति जी लेट हो गए तो भी कोई बात नहीं ठीक है आप आए काफी है चलिए तो आप लोगों को सबसे पहले तो ये सीखना है आपने एक बात देखी बात क्या कि जब चाहे सिग्मा डोनर लिगेंट सी थे अब मैं सीधा सीधा पूरा एम्बोडाग्राम नहीं बना रहा हूं सिर्फ डी ऑर्बिटल पे पर देखेंगे तो हमने क्या देखा और इनसे हमें कैसे पता चलेगा क्योंकि आगे वालों को मैं पूरा बना के नहीं दिखा रहा हूं वरना फिर एल पढ़ाने वाली बात हो जाएगी सारी यहां ओक्टा में सिग्मा डोनर में डी ऑर्बिटल की स्प्रिटिंग याद रखिए याद करिए आपको तो दस बार पढ़ा दिए इसके केस में डी और फिटिंग इस तरीके से थी मान लीजिए पांच ऑर्बिटल है इस तरीके से तीन नीचे दो ऊपर ये आप लोग जानते हैं अच्छे से डोनर राइट पाई एक्सेप्टर से क्या हुआ पाई एक्सेप्टर वालों ने क्या कर दिया था टी टू जी को और ज्यादा स्टेबलाइज कर दिया था टी टू जी कहां चले गए थे मोर स्टेबलाइज हो गए थे पाई डोनर वालों ने क्या कर दिया था एक तरीके से टी टू जी को थोड़ा सा डिस्टेबलाइज कर दिया था राइट अब आप ये समझिए ओक्टा कॉम्प्लेक्सेस में सिक्स लिगेंड्स थे तो इन टी टू जी से नीचे क्या था यहां पे तो आप याद रखिए सिक्स लिगेंड्स की वजह से सिक्स BMO बने हुए थे बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल वो तो इसमें भी थे वो तो लीगन वाले हैं लीगिन करते हैं इसमें भी सिक्स बीएमओ थे जितने लिगेन थे उतने ही बीएमओ बन चुके थे नीचे राइट ऐसे ही इसमें भी नीचे सिक्स बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल थे तो आपने साफ साफ यहां से देख लिया कि सिर्फ पाई एक्सेप्टर के केस में सिक्स प्लस बी एम हो जाते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो होगा इनमें ये थोड़े से डिजिटेलाइज हो जाते हैं टी टू जी वगैरह ठीक है और इसमें इलेक्ट्रॉन हालांकि इसमें भी आ सकते हैं इसमें इसमें स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं होती है इनको काफी पास दिखाना चाहिए मुझे सही मायने में तो ये हो गया है ऑक्टाइट के बारे में बातें जो अब तक हम करते आ रहे थे बातें हो गई है पूरी फिनिश ये क्यों बताइए अब हम बात करते हैं किसी दूसरे ज्योमेट्री के बारे में चलिए अगर हम बात करते हैं अब टीबीपी में टीबीपी कि ये कितना इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा तो हम कैसे आइडिया लगा सकते हैं तो आइडिया तो सबका इनके एलेफ्टी डायग्राम से ही पता चलेगा तो एलेफ्टी को हमने क्या बताया आप डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल आप जानते हैं टीबीपी जोमेट्री कैसी होती है भाई यहां पर है बीच में मेटल ले, लेकिन यहां से अप्रोच कर रहे हैं और यहां से यहाँ पे, यहां पे का मैंने पढ़ाया हुआ है। आप देख सकते हैं चाहे स्क्वायर एंटी प्रिजमेटिक हो कोई भी जिमेट्री हो सबकी स्प्लिटिंग उनके की एनर्जी कितनी होगी विद वैल्यू मैंने पढ़ाई हुई है आप सर्च कर सकते हैं आपको वीडियो मिल जाएगी ठीक है आपको जो बात समझनी है वो ये है कि अगर यहां पांच ऑर्बिटल हैं वन टू थ्री फोर फाइव ये पांच डी ऑर्बिटल है तो सबसे ज्यादा एनर्जी में जो होता है इसमें डी जेड स्क्वायर होगा डी जेड स्क्वायर अगर ये बैरी सेंटर है ठीक है इसके अलावा सबसे कम एनर्जी वाले जो थे डी एक्स जेड डी वाई जेड जिनको लग रहा है सर ये कैसे लिख रहे हो तो मैंने आपको बता दिया है भाई

जस्ट लाइक ऑक्टाहेड्रल में आपने ये अफेक्ट किस पे देखा डी ऑर्बिटल पे राइट right? लीगेंड जब आए होंगे तो लीगेंड ने मेटल के ऑर्बिटल के के मेटल जो कुछ ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ इंट्रेक्शन भी किया होगा जैसे कि यहां पे किया हुआ देखो ये तो मेटल के डी ऑर्बिटल है हमने लीगेंड वाले बनाए नहीं थे लेकिन जितने लीगेंड थे उतने ही बीएमओ नीचे बने हुए थे तो अगर आप टीबीपी का एल एफ टी देखेंगे तो टीबीपी में कितने लिगिन है तो आपको नीचे पांच बीएमओ जरूर मिलेंगे और उन पांच बॉन्डिंग मोलिकल ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे टेन इलेक्ट्रॉन्स राइट टेन इलेक्ट्रॉन तो आई गए अब क्योंकि आप देख रहे हो बैरी सेंटर से नीचे हैं ये चार ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं एट इलेक्ट्रॉन तो टेन और एट कितना हैं है? क्योंकि एट के बाद हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो टीबीपी से भी हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये एटीन इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हुए नजर आएंगे ठीक है मैंने इस बार क्या किया है काम कितना आसान कर दिया है टीबीपी के पूरे लेफ्ट डायग्राम में नहीं गए हैं हम हमने सिर्फ यहां पर उसके डी ऑर्बिटल की एनर्जी देखी

अब तो ये बात ध्यान रखनी पेपर में तो ऑक्टाइटल कॉम्प्लेक्स ही आने वाले हैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आने वाला इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो आप, अब मुझे इस कॉम्प्लेक्स की जवाब दीजिए ये है एक दो तीन चार पांच पांच डी ऑर्बिटल हैं मेटल के चार लिगेंड हैं एम, एम एल फोर तो अगर चार लीगन हैं तो आप जानते हैं कि चार बीएमओ तो नीचे बनेंगे ही बनेंगे मोलिकुलर और ये सारे सिग्मा वाला बना के दिखा रहा हूं फिलहाल मैं आपको ठीक है इसके अलावा आप जानते हैं टेट्राहेड्रल की स्पिटिंग किस तरीके से होती है तो आप जानते हैं टेट्राहेड्रल में ई e नीचे होते हैं और टी टू ऊपर होते हैं राइट तो अगर चार बीएमओ है इसके पास तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे एट इलेक्ट्रॉन राइट लेकिन आप ये बात समझिए कि इनमें कितने आ सकते हैं सिर्फ चार इलेक्ट्रॉन तो ट्रैक्टर को तो ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करना चाहिए था लेकिन ये फिर भी एटीन फॉलो करते हैं क्यों क्योंकि ये जो गैप होता है आपको शुरू से पढ़ाते आ रहे हैं कि डेल्टा टी जो होता है इज वेरी वेरी स्मॉल तो इलेक्ट्रॉन अगर इनमें भी जाता है तो कोई डिस्टेबलाइजेशन नहीं होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन इनमें भी आ सकता है इनमें भी आ सकता है और कितने इनमें क्लियर तो यह बात हो गई है कि ये किस तरीके से इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं ठीक है हम ये बात भी समझ गए कि टेट्राहेड्रल में मेटल के डी में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए टेन तो कोई भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिसमें मेटल के पास टेन इलेक्ट्रॉन नहीं है वो तो कभी एटी इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर ही नहीं सकता क्योंकि भाई मेटल के डिओल में मेटल वाले इलेक्ट्रॉन तो फिलप करते थे हम याद करो तो अगर मेटल के पास दस इलेक्ट्रॉन है ही नहीं और वो खुद टेट्रा हेडल है तो वो कभी भी एटी इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करेगा दस तो होने ही चाहिए बात समझ में आ रही है तो हमने देख लिया टेट्रा हेल वाले भी इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर सकते हैं कम वाले में भी कोई डिस्टेबिलाईन वगैरह नहीं है तो इसलिए कुछ टेट्राहल कॉम्प्लेक्स भी आपको एटी इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हुए नजर आएंगे इसके बाद जो लास्ट ज्योमेट्री हमारे पास बची है विच इज बताएंगे बेटा जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो ये थोड़ी ये सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं है देखिए यहाँ ओ तो कलेक्ट निधि पूछ रही है ओ और कोऑर्डिनेशन जो लाइव चल रहा है शो करिए ही नेक्स्ट मंथ में लाइव हम मेन ग्रुप भी पढ़ेंगे ग्रुप थियरी भी पढ़ेंगे ठीक है और सोल स्ट्रेट भी आई गेस लाइव चल रहा है अभी तो इनको साथ साथ पढ़ते रहिए काफी सारे चैप्टर हो जाएंगे इसके अलावा लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्पेशल केस तो नहीं कह सकता मैं पर यही है जब मैं पढ़ तब इनके में चले जाएंगे। लेकिन आप एक बात समझ गए कि का कितना इंपॉर्टेंट रोल है इन सब बातों को समझने में ठीक है तो अब मैं विदाउट लीगेन फील्ड थियोरी के डायग्राम से एमओटी के विदाउट आपको उसके समझा रहा हूं कि इसके पास अगर पांच डी ऑर्बिटल है वन टू थ्री फोर फाइव आपने इसका सी एफ टी सभी लोगों ने पढ़ा है सबसे हाइएस्ट एनर्जी में जो है वो जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है राइट उससे थोड़ा जी एक्स वाई सपोज दिस इज सेंटर ठीक है सबसे कम एनर्जी में कौन होंगे डी एक्सड वाई जेड क्योंकि स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्सेस है तो कुछ इस टाइप का होगा एम एल फोर राइट एल फोर है तो आप जानते हैं मेटल के डी के नीचे सिग्मा ये सारे के सारे जो मैंने आपको बना के दिखाए ओनली सिग्मा इंट्रेक्शन वाले डायग्राम है, है उनको देख लीजिए फोर बी एमओ है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल राइट जितने लीगन होते हैं उतने बीएमओ नीचे आते हैं इनके एमओ डाइग्राम को आप देख लीजिए तो बात आपको क्लियर हो जाएगी अब आप ये बात समझिए अगर फोर बी एमओ है तो एट इलेक्ट्रॉन तो आई गई टू इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे टू इसमें आएंगे और टू इसमें आएंगे कितने हो गए फोर्टीन हो गए ये भी हाईली डिस्टेबलाइज नहीं है दैट इज वाई इन चारों ऑर्बिटल में एट इलेक्ट्रॉन आएंगे तो स्टेबलाइज तो हो सकता है क्योंकि इसके बाद इलेक्ट्रॉन अगर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में जाएगा तो हाईली एंटी बोर्डिंग वाला ऑर्बिटल होता है वो काफी डिस्टेबलाइजेशन प्रोड्यूस करता है दैट इज वाई इनके लिए 18 नहीं हो सकता बाकियों में तो हम केस देख भी रहे थे कि टेट्राइडल देख लिया इसमें इसमें इलेक्ट्रॉन जाके 18 रूल फॉलो हो सकता है टीबीपी देख लिया कि भाई इनमें इलेक्ट्रॉन जा सकता है इसमें नहीं जा सकता ठीक है ऐसे ही इस केस को ध्यान से समझो

तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसके में और आप जानते हैं एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पहुंचने तो, तो स्क्वायर डिस्टेबिला में हमने साफ साफ देख लिया है कि आप इसको कैसे भी फिलअप करिए 16 इलेक्ट्रॉन पे मैक्सिमम बीएमओ सारे के सारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो भर चुके हैं यानी वो ऑर्बिटल भर चुके हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन आने से स्टेबलाइजेशन होती है तो सेवनटीन इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हंड्रेड परसेंट क्या करेगा डिस्टेबिलाईज करेगा तो आप ये बात समझिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के पास टोटल एट बीएमओ हो गए हैं तो जैसे मैंने बताया अगर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो भैया एक एक ज्योमेट्री के लिए एक एक क्लास चाहिए राइट लेकिन इसीलिए हम पूरे डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं हम सिर्फ नहीं नहीं अभी तो आप जो मैं लाइव पढ़ा रहा हूं वो यहीं से देखिए अगर कोई वीडियोस देखनी होगी तो वो मैं एंड में बता दूंगा कि ये वाली वीडियोस देख लीजिए जब तक लाइव चल रहा है तब तक आप कोई दूसरा चैप्टर अगर चाहते हैं वो आप दूसरे चैप्टर को कंटिन्यू करना स्टार्ट करना कर सकते हैं लेकिन इसी चैप्टर को स्टार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है जो चीज लाइव पढ़ने को मिल रही है उसे रिकॉर्डेड देखने में कोई फायदा नहीं है तो आप लोग समझ गए हैं कि स्क्वायर वाले रूल फॉलो करेंगे और नोट करके लिए लिख लेना कि मेन ग्रुप और लेंथनोइड एक्टनोइड के लिए एटीन इलेक्ट्रॉन रूल वैलिड नहीं होता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है उनके लिए ठीक है चलिए भाई दिस इज ऑल अबाउट एटीन इलेक्ट्रॉन रूल उसकी स्टेबिलिटी और एक एक क्वेश्चन हमने करके देखा है हमने ये बात समझी 18 इलेक्ट्रॉन रूल से 2016 तक मैं आपको दिखाता आ रहा था क्वेश्चंस थे 16 से 20 के में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए हैं कि इनमें से किस में कौन सा स्टेबल है लेकिन एक क्वेश्चंस है जो बार-बार हर ईयर आ रहे हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी और वो है कि नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स के बारे में स्ट्रक्चर की टाइप कैसा है क्लोजो नीडो

जितनी जरूरत जुर्थ जरूरत थी हमें अपने कोर्स के लिए उससे ज्यादा ही समझा दिया दैट्स इट तो अब कोई भी बच्चा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करेगा कोई बुक रेफर करने की कोई जरूरत नहीं है इस टॉपिक के लिए हम आते हैं इस चैप्टर के अगले पार्ट पर जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं क्लियर है तो भाई सबसे आगे चलते हैं अब नेक्स्ट इज मेटल कार्बोनिल कार्बोनिले वाली यूनिट एक एक करके इन यूनिट्स को खत्म करते जाएंगे यानी कि हमें यह पढ़ना है मेटल और कार्बोनिल जो ये कॉम्प्लेक्सेस हैं इनका स्ट्रक्चर इनके बीच बॉन्डिंग आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का रोल क्या होता है सीओ कितने तरीके से बाइंडिंग कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट मेटल से बाइंड करने के बाद इसके बॉन्ड ऑर्डर या स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ता है इनको प्रिपरेशन कैसे करते हैं इनकी रिएक्शंस क्या है हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं उनमें बॉन्ड ऑर्डर सॉरी नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं ये सारा इस चैप्टर में हमें सीखना है तो आप समझिए ओएमसी के सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में हम एंटर कर चुके हैं यहां से मैंने आपको बताया था जब एटीन एट्रोन रूल पढ़ाया था उसकी एक एप्लीकेशन थी टू फाइंड द नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है लेकिन उसको वहीं पे पढ़ेंगे जहां पे उसकी सही रिक्वायरमेंट है हर किसी का एक अच्छा सिक्वेंस होता है ठीक है तो अब हम पहले मेटल कार्बोन को जान लेते हैं जब हम इसको जान लेंगे तो उसके बाद हम पूरी डिटेल में एक एक पार्ट पढ़ते चले जाएंगे यू जस्ट हैव टू बी प्रेजेंट है क्लास रूम कोई बुक नहीं देखनी कुछ नहीं देखना यार इससे आसान और क्या हो सकता है कि आप नेट की क्लास में बैठे हैं और टीचर कह रहे हैं कुछ नहीं देखना जो बता दिया क्लास से ही आ जाएगा हंड्रेड परसेंट मैं कह रहा हूँ एक परसेंट भी इसमें श्योरिटी कमी लगता हूँ क्लास का पढ़ाया हुआ नहीं आएगा क्योंकि नेट का एग्जाम है तो अगर मान लो कोई नई बात आती भी है तो वो नई बात ऐसी ही होगी जो जिसके बारे में आपने क्लास में सुन रखा होगा टोटली नई बात नहीं होगी बिल्कुल भी आप सिमिलरली कनेक्शन कर सकते हैं उन चीजों का ऐसा तो पॉसिबल है आप देखो भाई अगर मेटल कार्बोनिल के बीच की बॉन्डिंग की बात करनी है आपको तो आपको इसमें दो पहले सबसे एक एक चीज को डिटेल में घुसेंगे सबसे पहले हम जिसके डिटेल में जाने वाले हैं वो है कार्बोनिल राइट वैसे तो सीओ को कार्बन मोनोक्साइड कहा जाता है लेकिन जब भी ये लीगेंड की तरह यूज होती है तो इसका नाम बदल दिया जाता है इसको क्या बोलते हैं कार्बोनिल बोलते हैं कार्बोनिल के बारे में हम सारी बातें डिटेल में पहले ही पढ़ चुके हैं अगर आपने एमओ पढ़ा हुआ है तो मैं बता हूँ क्योंकि मैंने अन पर एमओटी नहीं पढ़ाया तो मैं सिर्फ इसका आइडिया दे रहा हूं भाई ये है आपके पास सीओ का एमओ डायग्राम कैसा बनेगा ध्यान से देख लो बहुत सिंपल है कोई डिफिकल्टी नहीं इधर है कार्बन इधर क्या होगा ऑक्सीजन ठीक है क्योंकि इसके एम हर और आप ये बात समझ रहे हैं कि एमओटी कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है हमारे लिए हर जगह किसी भी चीज को पढ़ने चलो डायग्राम कितने ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे लिए आपको क्या करना है यह है कार्बन का टू सॉरी ऑक्सीजन का टू एस, राइट यह है कार्बन का टू एनर्जी गैप काफी ज्यादा है तो इसलिए इनमें बहुत कम इंटरेक्शन या ना इंटरेक्शन होने वाली बात होती है राइट हर बुक अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेगी सीओ के आपको को काट नहीं सकता है राइट तो अगर टूपी की बात करते हैं तो ये है ऑक्सीजन के टूपी ऑक्सीजन की टूपी है। और ये है कार्बन की टूपी तो मैंने बताया था कभी भी दो ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करके बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इंट्रेक्शन तभी कर सकते हैं जब दो चीजें मैच करती है पहली उनकी सिमेट्री मैच करनी चाहिए दूसरी उनकी एनर्जी भी मैच करनी चाहिए मैच एनर्जी थोड़ा बहुत गैप हो तो पार्शियल मिक्सिंग होकर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बन सकते हैं लेकिन एनर्जी गैप काफी ज्यादा हो और सिमेट्री मैच करती हो तो वो हमारी केमिस्ट्री के टर्म में पॉइंटलेस है उसमें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल बिल्कुल जो आई आई जैम या ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं वो मेटल कार्बोनिल कहाँ से नहीं पढ़ेंगे उन्हें मैं बता दूंगा जब मैं उनकी प्रिपरेशन रिएक्शंस वगैरह पढ़ाऊंगा तो उस पार्ट को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी अदरवाइज ये सब आपके एग्जाम में आता है ठीक है आपके जो अलग डाउट है जो टॉपिक से अलग हटके हैं बिल्कुल बिल्कुल हीरा फातिमा हर एग्जाम के बच्चे समझ लो भाई कार्बन ये मेटल कार्बोनिल का तो ऐसा कोई एग्जाम है ही नहीं जिसमें ना आता हो यार ये तो इलेवंथ क्लास में आना शुरू हो जाता है आई टी जेई में यू कैन नॉट स्किप दिस राइट आपको ये बात समझनी है भाई देखो यहाँ कार्बन का टूएस है ऑक्सीजन का टूएस है ऐसे और ऐसे आपस में ओवरलैपिंग तो कर सकते हैं तो एनर्जी गैप ज्यादा होने की वजह से मैं मान लेता हूं कि इनका कोई इंट्रक्शन नहीं है तो ऑक्सीजन का टूएस जो है वो नॉन बॉन्डिंग में है कुछ बुक बहुत हल्का सा इंट्रेक्शन इसके साथ दिखा भी सकती है आप टेंशन मत लीजिए उस चीज की ठीक है क्योंकि कार्बन जो है मैंने बताया था कार्बन के एस और पी के बीच में एनर्जी गैप कम होता है तो एस पी मिक्सिंग हो जाती है तो कार्बन का एक एस अपने पीजड के साथ मान लीजिए मिक्स करता है तो जब मिक्सिंग होती है आप जानते हैं अगर इस एस में पी के करक्टर आएंगे तो इसकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाएगी ऐसे और अगर पी में एस के कक्टर आएंगे तो उसकी एनर्जी कमाई हो जाएगी ये होती है एनर्जी की बात ठीक है डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं प्री मिक्सिंग पोस्ट मिक्सिंग प्री मिक्सिंग में क्या है मैंने पहले ही इनको मिक्स कर दिया है जो काफी बच्चों को लगेगा सर पहले क्यों मिक्स किया एक होता है पोस्ट एसपी मिक्सिंग मैं बनाने के बाद ऑर्बिटल को बिटल कर सकता हूं तो जो मैंने एमओटी में पढ़ाया है आई गेस मैंने पोस्ट एसपी मिक्सिंग से पढ़ा है यहां मैं प्री एसपी मिक्सिंग को पढ़ा रहा हूँ राइट देखो कोई टेंशन नहीं लेनी है आप इसको समझना होता है आपको बातें ये ध्यान रखनी एमओ डायग्राम के बारे में कुछ इंपोर्टेंट बातें मेनली हर किसी के एमओ के डायग्राम के बारे में आपको होमोलियो का ठीक ठाक आइडिया होना चाहिए दैट्स इट ठीक है है अब देखो इसका जो ए, 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 एस मान लीजिए यहां है यह है आपके पास कार्बन ये रहा आपके पास ऑक्सीजन और आप जानते हैं जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है अगर एग्जाम में मेंशन नहीं है तो आप z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कंसीडर करके चलेंगे क्लियर है आप जानते हैं कार्बन का जो 2s है जिसमें हालांकि थोड़े से p के कैरेक्टर आ चुके हैं थोड़ा सा डायरेक्शनल हो गया होगा तो हम तो नॉर्मली बनाते हैं 2s की तरह क्योंकि हमें डायग्राम सुंदर बनाना है ये कार्बन का 2s है ऑक्सीजन का 2s एनर्जेटिकली एनर्जेटिकली तो यहां तक नहीं इंटरेक्शन कर पा रहा होगा लेकिन इसके ऑक्सीजन के पास तीन पी है कौन सा पी और बेटल इंटरेक्ट कर सकता है तो आप जानते हैं PX और PY तो तो नहीं कर पाएंगे वो तो इस पे होंगे सिर्फ PZ है जो इंटरेक्शन कर पाएगा मान लो ये प्लस फेज में था इसका तो इंटरेक्शन हो रहा है, है आप मैं इसको डायर लिख रहा हूं नाम नहीं दे रहा इनको बस सिग्मा ठीक है किन से बना है इसके पी से जेड से और इसके पीजेड से इसके एस वाले करेक्टर भी है इसमें और डोमिनेटिंग एस वाले करेक्टर ही है ऑक्सीजन के पास दो ही ऑर्बिटल बचे भाई पीजेड से तो इंट्रेक्शन कर दिया इसमें पीएक्स पी वाई लेकिन कार्बन के पास प्योर पी एक्स है प्योर पी वाई है जो है वो थोड़ा सा हाइब्रिड है और ऑक्सीजन के पास सही सिमेट्री के सिर्फ दो ही बचे हैं अगर तुम ध्यान से देखो अगर ये कार्बन है ये ऑक्सीजन है अगर ये येड एक्सिस है ठीक है तो एक एक्सिस और होगी इस तरीके से ये कौन सी एक्सिस हो सकती है वाई एक परपेंडिकुलर भी हो सकती है एक्स वाई एक्स वाई कार्बन के पास पीएक्स और पी वाई है और एक पीसड है जो कि हाइब्रिड है. हाइब्रिड वर्ड एमओटी का नहीं है मैं ऐसे ही यूज करूं क्योंकि हाइब्रिड को हम ज्यादा इजिली समझ पाते हैं राइट पी एक्स पी वाई पी पी वाई के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं कैसे जरा ध्यान से देखो. इसका पीएक्स ये है मान लो इसके पास भी ऑप्शन के पास पी एक्स होगा तो आप देख रहे हैं जैसे ही ये जो तो कार्बन ऑक्सीजन पास आते हैं तो इंट्रेक्शन पॉसिबल है रेड से रेड ब्लू से ब्लू वाली लोग राइट सिमिलरली पी वाई पे भी इस तरीके से तो जब ये एक दूसरे के पास आएंगे तो होगा क्या तो होगा ये कि पीवाई से पीवाई की लॉब इंटरेक्ट कर जाएगी राइट इस तरीके से तो पाईबोन्ड बन रहा है और पीएक्स से पीएस की लॉब इंट्रेक्ट कर जाएगी तो भी पाई पाईबोंड बन रहा है तो बिल्कुल सिमिलर इंटरेक्शन है तो इसके पीएक्स और पीवाई से दो पाईबोन्ड बनेंगे पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई मान सकते हैं और अगर फेज अलग हैं, तो पाई स्टार, पी, एक्स, पाई स्टार पी वाई और ये जो पी है, ऐसे ही रह जाएगा नॉन बॉन्डिंग इसको नॉन बॉन्डिंग तो बोलते हैं लेकिन क्यों क्योंकि ये कार्बन के थोड़ा सा ज्यादा पास है तो हाई एनर्जी में है तो हम ये भी बोल सकते हैं ये स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग होता है अब अगर इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करोगे आप लोग तो इलेक्ट्रॉन्स फिल करने आप सभी को बहुत अच्छे से आते हैं आप जानते हैं कि अगर हम फिल अप करने देखो कितने हैं भरने के लिए दो ही भरे हुए देखो ऑक्सीजन के पास टू एस टू टू पी फोर होता है कार्बन के पास टू एस टू टू पी टू होता है इसके इसके 2s में भी 2 है और 2p में भी 2 है कितने हैं 4 और इसके 2p में कितने होते हैं 4 तो 8 फिल अप करने थे 2 4 6 दो यहां पे भर पर आपने तो कार्बन मोनोऑक्साइड का एमओ डायग्राम आपके सामने यहां आ चुका है अब यहां से आप क्या समझ सकते हैं देखो थोड़ा सा छोटा कर देते आपको ये बात समझनी है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो एमोडाइग्राम बना है इसमें आपके पास एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है इनके इस डायग्राम को देख के आप लोग आंसर कीजिए कि इनके बीच में कितने सिग्मा बोन है एक सिग्मा बोन है और दो पाई बोन है राइट क्योंकि इनके एंटी एंटीबोनिंग वाले तो खाली है तो एंटी एंटीबोन्डिंग या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो कुछ भी नहीं हुआ होगा तो आप लोग इजीली इस बात को कह सकते हैं कि सर सिग्मा एक सिग्मा बोन है इनके बीच में और दो पाई बोन है राइट यहां देख के आप और क्या कह सकते हैं सर ये जो होगा हम जानते हैं वैलेंस शेल क्योंकि वैलेंस शेल तो टू ही है ल के वो ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको हम लोन पेयर कहते हैं तो ये लोन पेयर तो हुआ लेकिन किसका है ये ऑक्सीजन टू एस में प्रेजेंट है तो इसको हम किस पर रिप्रेजेंट करेंगे ऑक्सीजन पर रिप्रेजेंट करेंगे राइट right? अगर आप इस लोन पेयर की बात करें कि सर ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा और ये भी शेल का ही है तो वेलेंसल का वो लोन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है तो आप जानते हैं उनको लोन पेयर कहते हैं मैं बार बार एक ही बात को रिपीट करता हूं सो कि आपके दिमाग में बातें बैठ जाए राइट लेकिन वो किस पे दिखाएंगे आप कार्बन पे दिखाएंगे किस तरीके से ठीक? तो आपको ये बात समझनी है जो होमो है होमो कौन से होते हैं हाइएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिक्यूलर ऑर्बिटल वो किसके ऊपर है कार्बन के ऊपर है ठीक है तो डोनेशन का जो मोस्टली केसेस में काम होगा एक तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो कार्बोनिल में कार्बन मोनोक्साइड का अगर देखेंगे तो जो होमो होते हैं वो कंप्लीटली नॉन बॉन्डिंग नहीं होते हैं वो स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर रखते हैं इस बात को आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है अदरवाइज आपके एग्जाम के जो क्वेश्चन हैं वो गलत होने स्टार्ट हो जाएंगे तो होमो किस पे है कार्बन पे है ल्यूमो जो है कौन से है ये, ये अगर ये होमो थे हाइएस्ट ऑक्युपाइड ऑर्बिटल

मेजर केसेस में कार्बन ही डोनेट करेगा लेकिन एक्सेप्टेंस की बात होगी तब भी कार्बन पे ही ज्यादा ल्यूमो का होल्ड है तो वो एक्सेप्टेंस भी करता है ठीक है तो आपको यही दो बातें समझनी थी कि इसका होमो जो है कार्बन पर है और कौन सा है नॉन बॉन्डिंग विद स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर ये आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है जो ल्यूमो है उस पर भी होल्ड ल्यूमो कौन से है इसके एक तो पता होने चाहिए कि इसके पास पाई स्टार ऑर्बिटल्स हैं वो टूपी एक्स हो सकता है या दो टूपी वाई हो सकता है वो आपकी मर्जी तो ये बात इसके बारे में पता होनी चाहिए कार्बन मोनोक्साइड के पास अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि कार्बन मोनोक्साइड के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल कितने हैं बोलो भाई नंबर ऑफ एंटीबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितनी है गुड मॉर्निंग ममता गुड मॉर्निंग चलिए जल्दी से बता दीजिए मुझे तो ये वो सारे क्वेश्चंस मैंने पांच मिनट में रिवाइज कर दिए हैं जो कार्बन मोनोक्साइड के एमोडेग्राम से आ सकते हैं और हर बार आते ही हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग मोलिक ऑर्बिटल कितने हैं इन केस ऑफ कार्बन मोनोक्साइड बताइए नॉलेज कोई एक क्लास में नहीं बढ़ती है ये बात ध्यान रखना कि तुम्हें जो टॉपिक नहीं आता है तुमने उसकी एक क्लास अटेंड कर ली तुम्हें लगा अब तुम्हारा ज्ञान जो है चरम सीमा पर पहुंच चुका है नॉलेज हर क्लास में साथ साथ रहने से किस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं बातें का का रिवीजन हो गया है इसी बहाने तो ये जो रेगुलर रहोगे जो चीज टच में है वो नॉलेज है जो भूल गए उसका क्या फायदा है वो तो किताब में पहले भी लिखा था तो काफी बच्चों ने आंसर किया है तो करेक्ट आंसर इज जीरो एंटी बॉन्डिंग में यार ये तो नॉन बॉन्डिंग है बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग याद रखना जब वो एंटी बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं तो ये देखो क्वेश्चन पूछा तो आप में से काफी बच्चों ने गलत भी तो आंसर किया तो इसीलिए मैं समझा रहा हूं कि एग्जामिनर क्या करेगा जब वो एंटी बॉन्डिंग की बात करता है तो वो प्योरली एंटी बॉन्डिंग की बात कर रहा है क्या उसने कहा स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग वाले के बारे में कुछ बताओ लेकिन हम एज ए स्टूडेंट ऐसी बातें सोचने लगते हैं क्या पता वो इसके बारे में भी पूछ रहा हो क्योंकि है तो ये भी एंटी बॉन्डिंग नहीं ये नॉन बॉन्डिंग है इसमें मेजर जो होल्ड है वो नॉन बॉन्डिंग वाले कैरेक्टर ज्यादा है वाले क्टर है तो आप कंप्लीटली नहीं कह सकते हैं थीके? एक इंसान जो एट्टी परसेंट अच्छा है, 20 कभी -कभी अ, अ, कर देता है तो वो ओवरऑल एक अच्छे इंसान में काउंट होगा मैं ये कहूंगा कितने बुरे इंसान है यहाँ पे तो आप उसको नहीं कहेंगे क्योंकि आप जानते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम सही है तो वही क्वेश्चन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है तो आप ध्यान से समझिए नंबर ऑफ एंटीबॉडी कितने आंसर करने हैं जीरो इस टाइप के क्वेश्चन किसी दूसरे चीज के लिए भी पूछ जा सकते हैं तो इनसे हम कुछ आइडिया जनरेट करते हैं अगर इन्हीं नोट्स को आप बाद में देख लेंगे आप देखेंगे एंटीबॉडी में कितने हैं जीरो तो आप ये बात मिस कर देंगे जो यहां पे मैं इस वक्त बता रहा हूं कि एंटीबॉडिंग में जीरो आंसर करने का क्या मीनिंग होता है राइट चलिए अब हमें समझना है कि, कि किस तरीके से बाइंडिंग करता होगा क्या आप लोग बता सकते हैं कार्बन मोनोक्साइड जो है जब बाइंड करता है मेटल से तो किस तरीके से बाइंड करेगा क्या ये एक मोनोडेंटेट लिगेंड होने के साथ साथ एक एम्बीडेंटेड लिगेंड भी है बोलो भाई क्या कार्बन मोनोक्साइड एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है या नहीं है एम्बीडेंटेड लिगेंड आप सभी लोग जानते होंगे बोलो भाई क्या होता है एम्बीडेंटेड लिगेंड बोलो अब यहां से अब मैं तुम्हें वो नॉलेज प्रोवाइड करूंगा जो एक्चुअल में तुम्हें अपने लेवल की होनी ही चाहिए थी तो कार्बन मोनोक्साइड को क्या हम है इतना तो वन एस में और भी ज्यादा एनर्जी गैप होता है तो वो भी इंट्रेक्टिव नहीं इंट्रेक्शन नहीं शो करते ठीक है तो भाई यही चीज में बताना चाह रहा हूं कि हम ऐसा नहीं है कि ऐसे कोई केस ऑब्जर्व नहीं हुए जिसमें एम, तो नहीं है ऐसा नहीं है कि की तरफ तो से डोनेट कर रहा हो सो इट इज नॉट एन ठीक है है क्यों क्योंकि इसमें होल, जो होमो का है, वो कार्बन पर ही है तो जब तक कार्बन अवेलेबल है तो वो ऑक्सीजन ऐसा तो कभी नहीं होगा कि ऑक्सीजन की साइड से जाके छुट गया अब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ये बाइंडिंग करता है और हमें यही समझना है और इस बाइंडिंग को पहचानते कैसे हैं तो हम यहां समझेंगे द रोल ऑफ रोल ऑफ IR spectroscopy. बेसिक आप इसका सभी जानते हैं यहां मैं सिर्फ यह कनेक्ट कर रहा हूं कि अगर फ्री कार्बोनिल है यानी जिसके साथ कोई भी नहीं जुड़ा हुआ है दिस इज सीओ आप जानते हैं पहले मैं इसका ही कंपैरिजन कर देता हूं सीओ प्लस और सीओ दोनों में से अगर आप बॉन्ड ऑर्डर कंपैरिजन करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है चलिए जल्दी बताइए मुझे टू डिफरेंट साइड से इन लिगिन ठीक है एमिनेटेड आपने सही बताया मेरा क्वेश्चन आपसे ये है अगर ये सीओ प्लस और सीओ CO की कंपैरिजन करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा होगा बॉन्ड ऑर्डर बता सकता है कोई बच्चा कंपेयर द बॉन्ड ऑर्डर फर्स्ट बॉन्ड ऑर्डर CO और सी ओ में से बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है अभी कितनी नई बातें जानने को मिलेगी कार्बोनिल का असली चेहरा आज देखने को मिलेगा करो भाई जल्दी से वेरी गुड करेक्ट आंसर आप लोगों ने कर दिया है और वो सही आंसर है कि सर जो बॉन्ड ऑर्डर है वो सी प्लस का ज्यादा है क्यों क्योंकि इसका आंसर यहां पे है जब इलेक्ट्रॉन लूज करोगे तो उसमें स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है मान लो ये प्योरली नॉन बॉन्डिंग होता तो नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन जाने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है लेकिन अगर उसमें एंटी एक्टर है, तो एंटी से जाने पर जो है इसी का ज्यादा होगा ये बॉन्ड ऑर्डर को मैं ओपन देता हूं बॉन्ड ऑर्डर राइट अब आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है वो इसके बॉन्ड ऑर्डर की हेल्प से पहचानती है कार्बोनिल को हमने पढ़ा है मैंने भी डिटेल में पढ़ा है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में भी पूरा डिटेल में पढ़ाया है आप लोगों को आप जानते हैं जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड ऑर्डर की अब मैं उस बात को बार बार नहीं समझा रहा कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है आप एक तरीके समझिए पेपर में क्वेश्चन आएगा आई आर स्पेक्ट्रम में जो डिफरेंट डिफरेंट बैंड मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर तो वो जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आप बस इतनी बात समझ के रखिए कि जितना कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर होगा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी दैट सेट फिलहाल आप इस कनेक्शन को बना के रखिए बाकी आप क्योंकि आप जानते हैं आपको पढ़ाया हो, 100 पढ़ाया हो, आई भी डिटेल में वहां पढ़ने दीजिए ठीक है देखो ध्यान से तो यह है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के नीचे हमेशा लिखा होता है यहां पर इस तरीके से सीओ यानी कौन से बॉन्ड की बात करें कार्बन ऑक्सीजन तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप ध्यान से समझो हमें कैसे पता लगता है कि एक्चुअल में सीओ प्लस का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है हमें कैसे पता लगा कि उस नॉन बॉन्डिंग में एंटी बॉन्डिंग एक्टर भी है बात समझ याद रखना थियरी से प्रैक्टिकल चीज नहीं बनाई जाती है प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन जो होती है जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसके बेसिस पे थियोरी जनरेट की जाती है तो डायग्राम बाद में बने हैं पहले मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी समझी है मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रा स्टडी की है उसके बाद एमोडाग्राम में चेंजेस किए कोई भी इंसान ऐसा नहीं हो चलो भाई आज बैठते हैं सीओ को एम बनाते हैं नहीं पहले उन्होंने मॉलिक्यूल पढ़ा और जिस पहले इंसान ने सीओ का एमोडाइग्राम बनाया होगा उसने टू एस से टू एस कर दिया होगा टू से टू पी कर दिया होगा लेकिन इससे वो उसकी प्रॉपर्टी को समझा नहीं पा रहा होगा इसीलिए दूसरे लोगों ने उसमें चेंजेस किए होंगे तो जब हमने क्या किया स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मेजर की तो जो सीओ प्लस की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी थी वो थी टू वन एट फोर सेंटीमीटर आप ये आज से याद रखेंगे मैंने हमेशा हर चीज विद डेटा पढ़ाई है और क्योंकि मैंने बताया है जो डेटा का रिप्लेसमेंट कुछ है नहीं है सारे कॉन्सेप्ट फेल हो सकते हैं कुछ डेटा अगर याद रखे जाए उस चैप्टर में तो आप हर टाइप के क्वेश्चन के बीच कंपैरिजन कर सकते हैं क्योंकि कुछ कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है मैंने आपको जीओसी में भी पढ़ा है कि एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर की जब बात करते हैं मान लिया फिनोल पे एनओ टू लगा दिया फिनोल पे सी एस लगा दिया तो बेसिक कैरेक्टर या एसिडिक कैरेक्टर कंपेरिजन करना आया तो आप कर सकते हैं लेकिन फिनोल का कंपेरिजन वो कर रहे हैं एसिटिक एसिड से फिनोल का कंपेरिजन वो करें ट्रोपाइलियम आयन के ऊपर कुछ चीज जुड़ी हुई है तो आप इन चीजों को आपस में कैसे कनेक्ट करेंगे भाई तब ये सारे कॉन्सेप्ट फेल हो जाते हैं क्योंकि सिमिलर चीजों के बीच में कंपैरिजन करना आसान है कि कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा या एक्सेप्ट कर रहा होगा लेकिन जब टोटली ग्रुप ही अलग हो जाए एक तरफ फिनोल है एक तरफ एसिटिक एसिड है तो उन दोनों को कैसे कंपेयर करें फिर तो बच्चे कहते हैं फिर टीचर नए नए कॉन्सेप्ट निकाल के लाते हैं और मैं क्या करूं रहा कॉन्सेप्ट नए बनाओगे तो वो फेल भी हो सकते हैं हो सकता है वो इस क्वेश्चन में लग रहा हो दूसरे में ना लग रहा हो और यही सभी बच्चों की प्रॉब्लम है मैं वही कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा जो मेरे पास पता है जो बुक में है जिसके जो रेलिवेंट है बाकी अगर कुछ चीज एक्सप्लेन नहीं हुई है और कोई बुक उसके बारे में नहीं लिखती है आप क्या आप जानते हैं बुक्स डेटा लिखती है पर बहुत रेयरली वो चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करती है वो बता देती है इसमें दो वो सिर्फ ये लिखेगी इसका जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो टू वन एट फोर है और इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है टू वन फोर थ्री सेंटीमीटर है ये जिससे हमने ये पता लगा लिया अगर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने पर बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ है बढ़ा है और अगर बोन ऑर्डर बढ़ा है तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन गया है उसमें एंटी एंटी थे इसलिए हम मान के चलते हैं कि इसके हैं कि होमो में होते क्लियर हो गई तो आप बात समझिए फ्री सीओ जो है, वो है रहा। इस, इस को, किस को याद रख है सकते हैं टू वन फोर थ्री क्योंकि कंपैरिजन इसी के रेस्पेक्ट में होगा जब भी ये सीओ किसी मेटल से जुड़ता है ध्यान से समझना तो दो टाइप की बाइंडिंग तो मेजरली शो करता है एक टर्मिनल पे जुड़ा होता है और एक होता है ब्रिजिंग पे टर्मिनल मतलब ये है मेटल और बस सीओ इससे आके जुड़ गया ठीक है तो इस टाइप की ब्रिजिंग को बोलते हैं इस ब्रिजिंग को नहीं इस टाइप की बाइंडिंग को बोलते हैं बाइंडिंग ऑफ सीओ बोलते हैं टर्मिनल फॉर्म में ये जुड़ा हुआ है जैसे ही ये इससे जुड़ता है तो जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है सीओ की वो थोड़ी कम हो जाती है वो टू वन टू जीरो से लेके अठारह पचास के बीच में आएगी क्योंकि मेटल कौन सा है इस पर डिपेंड करेगा यही हमें पूरा डिटेल में पढ़ना भी है दैट मीनस मेटल से जुड़ने के बाद क्या होता है इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो गई इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया होगा कम हो गया है तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया हम एक्सपेरिमेंटली तो चल सकते हैं हमने ये देखा यार एक कैसे हुआ काम जब भी ये मेटल से जुड़ रहा है सीओ तो इसका बॉन्डर कम हो रहा है तो यानी कुछ और फैक्टर भी है जो वर्क कर रहा होगा तो वो फैक्टर क्या है हमने ये देखा कि मेटल जो है इसमें बैक बॉन्डिंग कर सकते हैं एक रीजन तो ये है देखो अगर आप इस तरीके से सोचे बेटा कि सीओ ने अपने होमो वाले इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे होमो वाले वो इलेक्ट्रॉन थे जिनमें एंटीबॉन्डिंग एक्टर थे तो होमो वाले इलेक्ट्रॉन अगर कार्बोनिल से दूर हो रहे हैं एंटीबॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन अगर दूर हो रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ना चाहिए था लेकिन हमने एक्सपेरिमेंटल डेटा निकाला उसको तो कोई गलत ठहरा ही नहीं सकता कोई किसी के कॉन्सेप्ट को भले ही कह सकता है कि इसका कॉन्सेप्ट सही है इसका गलत है लेकिन कोई डेटा को गलत और सही नहीं कह सकता जो डेटा है वो सही है तो बॉन्ड ऑर्डर हम एक्सपेक्ट करे थे बढ़ जाए लेकिन मेटल के साथ जुड़ने पर बॉन्ड ऑर्डर जो है वो क्या हो रहा है कम हो रहा है इस वहां से हमने सोचा कि इसमें कुछ और बात भी है, कि और कम होने का रीजन है। आप सोच रहे इसका बॉन्ड ऑर्डर कम तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन इसके पास आते हो एंटी बॉन्डिंग में और कोई तो रीजन नहीं और आने का सोर्स है कहां किससे जुड़ा हुआ है से। तो यानी कि उन्होंने सोचा क्या ये वाकई में मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा क्योंकि अगर मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा तभी यह बॉन्डोर कम हो सकता है तभी इस बात को सेटिस्फाई किया जा सकता है तो दिस इज हाउ थियोरी जो है वो डेवलप की जाती है ठीक है ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है कि बैक बॉन्डिंग क्या है कैसे हुई क्या क्या कंडीशन है इस पे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि अगर फ्री सीओ है उसके डेटा को याद रखना ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि यहां मेटल का भी इंपॉर्टेंट रोल है मेटल के साथ कुछ लिगेंड और भी जुड़े होते हैं ऐसा तो नहीं मेटल के साथ सारे कार्बोनिल ही हो तो देर आर सो मेनी फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द बैक बॉन्डिंग और बैक बॉन्डिंग से स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा जब होगी तो उस उसपे बहुत सारे क्वेश्चन हैं उनको हम पढ़ेंगे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो सीओ uh, है वो किस किस तरीके से बाइंडिंग करता है ठीक है बाइंडिंग मोड्स तो टर्मिनल में मैंने आपको बता दिया आपने कई बार देखा होगा ये जो है ब्रिजिंग में भी होता है ब्रिजिंग में मतलब आपने कई बार इस तरीके से पढ़ा है कि कार्बोनिल दो मेटल के बीच में प्रेजेंट है इस टाइप की बाइंडिंग को हम क्या किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं म्यू टू म्यू होता है जब कोई भी लिगेंड ब्रिजिंग में आता है टू रिप्रेजेंट करता है क्या नंबर ऑफ मेटल आयंस कि कितने मेटल आयंस के साथ वो जुड़ा हुआ है अगर तीन के साथ जुड़ा होगा इस तरीके से देखो एक मेटल दूसरा मेटल तीसरा मेटल ऐसा भी पॉसिबल है तो ये इस तरीके से भी जुड़ा होता है इसको बोलते हैं म्यू थ्री तो आई गेस आप लोग समझ गए होंगे तो म्यू म्यू क्या क्या होगा और म्यू फाइव क्या होगा और ये सारी बातें आप लोग समझ गए हैं म्यू रिप्रेजेंट करता है किसी भी ब्रिजिंग लिगेंड को अब आप समझिए जब वो म्यू टू ब्रिजिंग है टू वाला है तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो उससे भी कम हो गई है वो हो गई है अट्ठारह सौ पचास एटीन हंड्रेड फिफ्टी से सेवेंटीन हंड्रेड सेंटीमीटर इनवर्स सीधी सी बात है याद कीजिए ये जो आई आर स्ट्रेचिंग है ये सैचुरेटेड वगैरह की होती है ketones में में double bond है में जिसमें डबल होता कार्बन ऑक्सीजन ठीक है अब ये ब्रीजिंग में है तो आप जानते हैं डबल बॉन्ड के बहुत क्लोज पहुंच चुका होगा डबल बॉन्ड के बराबर ही होगा लगभग लेकिन जब ये यहां पे था किस तरीके से जब ये था टर्मिनल में टर्मिनल में बैक बॉन्डिंग हुई होगी बॉन्ड ऑर्डर टू और थ्री के बीच में रहा होगा आज सुना रही कंप्लीटली टू नहीं हो गया होगा और मोर थ्री साइड पे रहा होगा वो तो डिपेंड करता है बैकबोर्डिंग कितनी हुई है कम हुई है या ज्यादा हुई है तो इन सारे केसेस को हम डिस्कस करेंगे ही समझा नहीं मैं स्ट्रेचिंग में किसका यूज करते हैं इंफ्रारेड ठीक है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोप ही पढ़ गया हो भाई जब जैसे जैसे हाईअर चलते चीजों में चल, बढ़ते हैं वरना मैं इस चैप्टर को कंटिन्यू कर पाऊंगा मैंने आज एल वाले डायग्राम को इसलिए स्किप कर दिया अगर मैं सारे स्क्वायर पिनर टेट्राडल टी बी के एल डायग्राम पढ़ाने लगूंगा तो भाई बहुत पागलपन हो जाएगा समझ रहे हो तो ये चैप्टर कभी पूरा नहीं होगा तो इसलिए मैंने आज जान पूछ के उसका सिर्फ सी के थ्रू एक बार याद करने का तरीका समझा दिया है बाकी आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है चलिए देखिए और अगर आप इसकी बात करते हैं जब तीन आ गई हैं इसके साथ तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का जो डेटा है वो ये है सेवन थर्टी से सिक्सटीन ट्वेंटी मैं इन डेटा को याद करने को नहीं कह रहा हूं आपको मैं सिर्फ यह डेटा लिख के आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं क्या आइडिया टर्मिनल के केस में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा रहती है ब्रिजिंग में दो आ गए आप जानते हैं मेटल बैकबॉन्डिंग करते हैं जितने ज्यादा मेटल जुड़े होंगे ज्यादा बैकबॉन्डिंग कर रहे होंगे बोर्डर उतना क्या होता जा रहा होगा कम होता जा रहा है और इसको मैं अभी समझा भी दूंगा आप लोगों को कि बॉन्ड ऑर्डर कम क्यों हो रहा है बैक बॉन्डिंग से और किस तरीके से होता है क्योंकि आप में से मोस्टली लोग इस बात को जानते हैं कि मेटल के डी ऑर्बिटल इसके फाइव स्टार को डोनेट करेंगे राइट right अभी आप लोगों को दिखा दूंगा तो आप लोगों को यह मैंने बताया कि जितनी ज्यादा ब्रिजिंग होती चली जाएगी इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो उतनी क्या होती चली जाएगी कम होती चली जाएगी तो आपको जो नोट करके लिखना है ये डेटा नहीं आपको नोट करके पॉइंट लिखना है कि जितने ज्यादा मेटल के साथ ब्रिजिंग में कार्बोन प्रेजेंट होगा स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी उतनी कम होती जाएगी इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं क्लियर है लिखो इस बात को तो जो काम की बात बता रहा हूं बेटा उसको जरूर जरूर लिखो ये डेटा नहीं पूछेगा कोई तुमसे पेपर में कौन पूछ सकता है कि एग्जाम ये सोचेगा कि तुम्हें रटके आयो नहीं फ्री सीओ का पता होना चाहिए और जब मेटल के साथ जुड़ता है तो उसका पता होना चाहिए मैं तो यहां जो भी एक्सप्लेन करूंगा उसका डेटा आपको लिख के दूंगा कि भैया स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इतनी आ रही है इसकी सो देट कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल सही बने सटीक बने मैक्सिमम चीजों के एक्सप्लेनेशन होंगे अगर किसी का नहीं भी है तो एटलीस्ट पेपर में हमें कोई रीजन नहीं पूछता कभी भी एग्जामिनर वो बोलेगा बस बताओ भाई स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किस में ज्यादा आएगी तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर करना है रमन का नहीं भाई बता तो रहा हूं आई आर आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी लिखा था साफ साफ इंफ्रारेड रेज का यूज करते हैं इसमें तो भैया इसको यहां तक जो बात मैंने बताई है इसको लिख लीजिए इसके अलावा आपको मैं एक दो बातें और बताऊंगा अभी वो ये है कि ये तो नॉर्मल चीजें हैं जो हम अपनी लाइफ में एग्जांपल्स देखेंगे कार्बोनिल की टर्मिनल ब्रिजिंग नंबर ऑफ ब्रिजिंग बढ़ती जाएगी इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट ब्रिजिंग भी है जो आपने नहीं पढ़ी होगी और जिनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको थोड़ा अच्छा आइडिया होना चाहिए

किसी एक मेटल के पास ज्यादा है और दूसरे के साथ कम इंट्रैक्शन ठीक है इनके बीच आपस में बॉन्ड हो भी सकता है मेटल मेटल वो तो हम बाद में देखेंगे तो अगर इस टाइप की ब्रिजिंग आपको कभी भी दिखती है तो इसको हम क्या बोलते हैं सेमी ब्रिजिंग बोलते हैं बात समझ आ और इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इसकी लगभग 1832 के आसपास आ जाती है 1832 मत लीजिए कुछ याद नहीं करना है बस आपको पता होना चाहिए कि कार्बोनिल सिर्फ इसी तरीके की ब्रिजिंग नहीं करता है कार्बोनिल ब्रिजिंग भी कर सकता है ठीक तो है कई कॉम्प्लेक्सेस में ऑब्जर्व हुई है हम तो सारे केसेस डिस्कस कर, करेंगे इसको बोलते हैं लिख लेना भैया सेमी ब्रिजिंग सेमी ब्रिजिंग और अगर सैमी ब्रिजिंग और जो सिमेट्रिकल ब्रीजिंग है उसमें कंपेयर करोगे तो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी इसकी क्या है ज्यादा है इसकी क्या है कम है इनके एक्सप्लेनेशन हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं अब हम सोचेंगे इस बेसिस पे ठीक है हमें ये बातें सोचनी है कि ऐसा क्यों हो रहा होगा उसको हम समझेंगे टाइम के साथ इसके अलावा एक टाइप की और ब्रीजिंग शो कर सकता है जो आपने नहीं देखी होगी वो होगी सिग्मा पाई एमेट्रिक ब्रीजिंग सिग्मा पाई एमेट्रिक ब्रीजिंग ब्रिजिंग उसमें क्या होता है देखते हैं चलिए ब्रिजिंग सिग्मा यानी ऐसा तो हमने बहुत कम देखा होगा कभी पर ऐसे कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स काफी बड़े बड़े हैं इसलिए मैं बना नहीं रहा हूं आप सिर्फ ये बात जान सकते हैं सिग्मा पाई में कैसा होता है कि किसी एक मेटल को तो सिग्मा इंट्रेक्शन से जुड़ा हुआ है और किसी दूसरे वालों को ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन को भी डोनेट करते हुए नजर आ सकता है तो ये कुछ नॉलेज की चीजें हुई जो हम कार्बोनिल के बारे में नई नई बातें पढ़ रहे हैं जो अब से पहले हमने नहीं पढ़ी होंगी तो इसको सिग्मा पा, पाई ब्रिजिंग कहते हैं और यहां पे कार्बोनिल जो है टू इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह वर्क नहीं कर रहा होगा टू तो यहां चले गए हैं पाई वाले दो इलेक्ट्रॉन और हेप्टासिटी बात बताई थी बोलो भाई तो फोर भी हो सकता है और अपने पाई वाले चार इलेक्ट्रॉन को भी डोनेट कर सकता है फोर से सिक्स पाइलेक्ट्रॉन डोनर भी सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेट काउंट भी इसका हो सकता है हालांकि इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे लेकिन इस केस में सबसे कम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हो जाती है 1645 हंड्रेड फोर्टी फाइव के आसपास काफी कम आ जाती है सबसे कम इतना इन मतलब इनमें अगर हम कंपेयर करें सिग्मा पाई वाले में मिल जाता हूं सिक्सटीन हंड्रेड के आसपास रीजन आप समझ ही गए भाई जब ये पाई इलेक्ट्रॉन ही डोनेशन में चले जाएंगे तो सीओ बॉन्डर बॉन्ड ऑर्डर जो है वो काफी क्या हो जाएगा हो जाएगा इसके अलावा एक टाइप की और ब्रिजिंग है जो ये शो करता है जो आपको सरप्राइज होंगे आप लोग जान के कि कार्बोनिल ऐसी हरकतें भी करता है क्या तो वो है आइसो कार्बोनिल पॉसिबल है इनके एग्जाम्पल अपने घर से नहीं बना रहा हूं आइसो कार्बोनिल ब्रिज इसका मतलब नोट्स एकदम बढ़िया से बना लेना अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में क्लास से बाहर कुछ ना आए तो मुझे हर टाइप की बातें करनी ही होंगी हर टाइप की बातें आपको बतानी ही होंगी आइसो कार्बोनिल ब्रिजिंग आप अच्छे से समझते हैं कि कार्बन से भी डोनेशन है और ये जो ऑक्सीजन था इसने भी डोनेशन किया हुआ इस तरीके से दिस इज आइसो कार्बोनिल इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीकवेंसी है वो लगभग 1835 के पास आता ये ऑब्वियसली मेटल पे तो डिपेंड करेगी ही तो जिन कॉम्प्लेक्सेस से मैंने ये एग्जाम्पल उठाए हैं उनकी स्ट्रेचिंग स्ट्रचिंगसी मैंने यहाँ पर लिखी है तो आप लोग कितनी सारी नई बातें जान गए हैं जो नॉर्मली बच्चे नहीं जानते हैं उनके लिए कार्बोनिल देखे वही इलेवन ट्वेल्थ वाली बातें पढ़ते रहते हैं वो ये आपके सामने सारी बातें रख दी है मैंने क्या कार्बोनिल टर्मिनल भी बाइंडिंग कर सकता है या इसमें टर्मिनल मिसिंग है उसको लिख देता तो, हूँ एम टर्मिनल में आप जानते हैं देखो ये मैंने यहां लिखी हुई ऊपर 1850 से 2120 तक ये है आज की क्लास की समरी दिन प्री कार्बोनिल याद रखना टू वन फोर थ्री सेंटीमीटर तो मैंने आप लोगों को क्या बताया है भाई फ्री कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा है किससे अगर वो टर्मिनल वाले से कंपेयर करोगे क्योंकि टर्मिनल वाले में बैकबॉन्डिंग होगी अगली क्लास हमारी इसी पर ही है कि बैकबॉन्डिंग किस तरीके से होती है ठीक है और वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो बैकबॉन्डिंग को इफेक्ट कर सकते हैं इसके अलावा आप जानते हैं सीओ ब्रिजिंग में भी आ सकता है कुछ बच्चे सोचते हैं सिर्फ म्यूटू ब्रिजिंग करता है तो बेटा म्यूथरी म्यूफोर बहुत ब्रिजिंग करता है और आप जानते हैं जैसे जैसे मेटल बढ़ते जाएंगे बैक बॉन्डिंग बढ़ती जाएगी तो सीओ का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कम होता जाएगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी क्या होती जाएगी कम होती जाएगी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक अगर पूछ लिया आप लोगों से बोलो भाई ठीक है सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक अगर पूछ लिया तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी कम है इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है कम है उसका एक रीजन हो भी सकता है उसका रीजन ये है कि मैं जब इसके डायग्राम को सॉरी जब मैं इसका इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो बता सकता हूं कि बैक बॉन्डिंग ऐसा नहीं है कि मेटल से जुड़ा है तो बैक बॉन्डिंग हो गई ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन भी मैटर करती है है अगर ऑर्बिटल्स की मैच नहीं कर रही होती है, तो बैक बॉन्डिंग अच्छी नहीं भी हो पाती है ठीक है इसीलिए इसके जब एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे तो इनकी कहानी खोल देंगे आज तो मैंने बताया है कि देर आर सो मेनी वेज जिसमें कार्बन मोनोक्साइड बाइंड कर सकता है हम सिर्फ इन्हीं ही पे जिंदा थे इस पर देख के और मैक्सिमम इसको देख लेते थे

साइड से डोनेशन कर सकता है ये भी एक पॉसिबल कई बार तो पेपर में क्वेश्चन आ गया ना कि क्या आइसोकार्बनल ब्रिजिंग पॉसिबल होती है कि नहीं होती है तो जब मैं हायर लेवल की बात कर रहा हूं ना तो याद रखिए उस टाइम पे तो ये बताई हुई बात ही क्वेश्चन है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी तो छोड़िए क्या अगर ये बात क्लास में हमने नहीं पढ़ी होती तो हम इस ब्रिजिंग को पहचानते नहीं पेपर में आती हम कहते नहीं ऐसा तो कभी देखा ही नहीं क्योंकि हम तो उसी बेसिस पे चलते हैं जो हमने देखा है तो मैंने क्या बताया दिखाने का काम मेरा है मैं सब कुछ दिखा दूंगा आपको सिर्फ इस क्लास में प्रेजेंट रहना है और बहुत नई नई बातें केमिस्ट्री है वो सीखनी है तो ऑलवेज बी प्रेजेंट आई आर एसकोपी थोड़ा सा देख के आइए आप लोग नेक्स्ट क्लास में क्योंकि मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर टाइम स्पेंड करूंगा तो ओ कभी कंप्लीट नहीं होगी भाई बहुत लंबा चैप्टर है ये भी ठीक है और हर एक के डिटेल में जाना है तो इसलिए नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे जब भी मिलेंगे आपको स्केड्यूल बता दिया जाएगा तो वेरी वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू एंजॉय करो खेलो ढंग से और किसी को हम मत करना ब्ला 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 समझ में बात को ओके सी नेक्स्ट क्लास गाइस भाई टाइम पे आ जाया करो निकम्मे मत बनो सब सही है चलें फिर अगर रात को क्लास हुई या कोई भी हुई तो उसका अपडेट आपको मिल ही जाएगा क्यों गुलाम नबी कुरैशी आप एक बार कोई बात नहीं नेक्स्ट क्लास तक आप लोग इसको देख के आइए जो मैंने पढ़ाया है ठीक है एंड एक्सप्लेनेशन लेके आइए कि ऐसा क्यों होगा यूँ नहीं कि सर ये कम होगी कम होगी मैं क्यों मान लूं आप मुझे डेटा ला के दिखाइए तब मैं मानूंगा आपकी बात ठीक है मेरे पास तो बुक्स हैं मेरे पास तो कॉम्प्लेक्स भी है कहोगे तो कॉम्प्लेक्स लिख के दिखा दूंगा तुम्हें तो अभी की अभी वनिडियम वाला कॉम्प्लेक्स है और सिग्मा पाई सिमेट्री का मैगनीज का एक कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है आइसो कार्बोनल वाला दैट इज वा... मेरे देखो इनऑर्गेनिक की मेरे पे सारी बुक्स हैं जितनी तुम सोचोगे कभी जिंदगी में और अब मेरे को कोई अच्छी बुक पता लगती है तभी खरीद तो लेता हूँ एक सेकंड में खरीद लेता हूँ मैं आप लोगों की तरह ये सोचता नहीं हूँ देखो किताबों के बारे में खरीदना हम मोस्टली प्रीफर नहीं करते किताबों की बजाय हम ऐसी चीजें खरीदना प्रीफर करते हैं बाहर कुछ समोसे खा लिए पिज्जा खा लिया किताब खरीदनी पड़े तो सोचते हैं क्या एक चैप्टर के लिए जरूरी है ऐसे केमिस्ट्री स्टूडेंट आपकी एक अपनी सेपरेट लाइब्रेरी होनी ही चाहिए ठीक है उसको धीरे धीरे आप बढ़ा करेंगे मैं ये नहीं कह रहा एक दिन में जाइए और सारी किताबें खरीद लीजिए धीरे धीरे आप आ, सीख जाएंगे रंजन मिश्रा आप पूरी बातें लिखिए यार सर इलेक्ट्रोफाइल नेचर कैसे होगा किसका और कहाँ बात आई इसकी अगर आपको लगता है आप एक स्टेटमेंट लिख देंगे इलेक्ट्रोफाइल नेचर हम ओएमसी ओएमसी पता क्या है रंजन मिश्रा ऑर्गेनिकली कंपाउंड इतनी बढ़िया इतने सारे कंपाउंड है आप कार्बीस की बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं ऐसा रैंडम कुछ भी वर्ड बोल देने में क्या एक्सप्लेन करता फिर इसमें ठीक है तो आप देखिए मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ भाई अगर आप ऑफलाइन होते साथ सामने बैठे होते तो एक अलग इंट्रेक्शन होता है तो भाई मैं पूछ कोई कुछ भी बोल रहा है यहाँ ऑनलाइन में डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है एकदम से तो आप लोगों को जो पढ़ाया है आप पढ़ के आइए ठीक है बेटा और कोई आपको मैंने क्या बताया जो मैंने पढ़ा दिया अगर आपने वो समझ लिया तो आप अपने पेपर में टॉप करेंगे रैंक क्या लेके आएंगे वन लेके आएंगे बस उसके अलावा कोई मैं बात नहीं करता हूं आप लोगों से बस इसको समझने पे ध्यान दीजिए आपके सारे क्वेश्चन ऐसा कोई क्वेश्चन रहा क्या एटीन इलेक्ट्रॉन रूल मैंने पढ़ा दिया कोई है ऐसा क्वेश्चन कभी दिमाग में आ रहा है जो तुमसे लगे कि नहीं होगा तो बस इसका मतलब आप लोगों को वो चीज़ें फॉलो करनी है अच्छा सर गुलाम नबी कुरैशी आपने जो दिया है आपका एक थियोरिटिकल बेसिस पे एक आंसर है कि सर उसमें वो दो मेटल्स से जुड़ा हो क्या आप ये सोच समझ पाते हैं कि दो मेटल अगर जुड़ेंगे या एक मेटल अगर जुड़ेगा तो बैक बॉन्डिंग किस टाइप की होती है थोड़ा सा इस पर सोच के आइए क्योंकि मैंने जो आपको बताया है मैंने क्या बताया इसीलिए मैं हमेशा जब भी पढ़ाता हूँ तो डेटा लिखता हूँ आपके पास ठीक है और अगर डेटा लिखा हुआ है तो उसके बाद आप देखिए आप खुद ही देखिए मुझे पता था अगर मैं ये सब नहीं लिखूंगा ना तो आप लोग ऐसी बातें जरूर करेंगे ये आपके आपका थियोरिटिकल वे है सोचने का ठीक है इस, लेकिन वो प्रैक्टिकल से ऊपर नहीं है एनीवेज इसको मैं क्लास में मैंने क्या बताया इनके भी अभी मैं ऑर्बिटल इंटरेक्शन डिस्कस करूंगा हम हाँ, हमेशा किसके डिस्कस करते हैं सिर्फ इसी का इसको बना दिया बैक बॉन्डिंग तो क्लास का बच्चा भी जानता इन में भी जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा अभी आप पेशेंस रहिए और अगर आप खुद देखना चाहते हो तो वेरी गुड अच्छी अच्छी बुक्स पे और नेट पे जाके सर्च कीजिए और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तभी मजा आएगा ठीक है बेटा तो विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास कोई भी क्वेश्चन अन, अन अनसर्ड नहीं रहेगा ठीक है